जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु सिंह। दोस्तों आज हम बहुत स्पेशल टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं मैं हूं कौन। मैं एक टीचर हूं जो कि क्लास 9 से लेकर बीएससी एमएससी और आगे भी हायर कम्पिटेटिव एग्जाम जैसे कि यूपीपी हो गया, एसएससी जीडी हो गया, अदर कम्पिटिशन एग्जाम सभी के मैं टीचिंग कराता हूं, जिसमें मैथ और रीजनिंग और साथ साथ 9th से 12th वाले बच्चों को साइंस भी मैं पढ़ाता हूं। अब मैं आज बहुत स्पेशल टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूं। उससे पहले अगर आप तक ये वीडियो हमारी पहुंची है तो मैं आपसे इतना कहना चाहूंगा कि आप प्लीज इस वीडियो को स्किप ना करें और ज्यादा से लोगों तक शेयर करें, क्योंकि आज हम बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। होता क्या है कि हम लोग एक टीचर हैं, आपको सबको पता है कि आप जब स्कूल लाइफ में थे या फिर आप खुद देखे होंगे कि जो भी बच्चे आपके होंगे आप देखे होंगे कि जो एक ऐसा टीचर होता है जिसको सभी बच्चे क्या कर रहे होते हैं, फॉलो कर रहे होते हैं। मोस्टली बच्चे उसको फॉलो कर रहे होते हैं। हर स्कूल में हर जगह पर एक आपको टीचर ऐसा मिलेगा, या भी बहुत सारे टीचर ऐसे होते हैं जिसके एक एक बच्चे के तीन तीन चार चार टीचर ऐसे होते हैं जो आइडियल उसको मानते हैं। वो आइडियल मानने का मतलब वो हर तरीके से उस बच्चे बच्चा जो होता है उस टीचर की बात मानता है, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो चाहे वो अदर भी चीज़ों से रिलेटेड, जो भी वो टीचर कह देता है वो मानता है। तो अगर हमारी बात बच्चा मान रहा है तो इसका मतलब हमारा कर्तव्य बहुत बड़ा है। एक टाइप का ऐसा बोल सकते हो कि उसके फ्यूचर निर्माता हैं हम, ठीक है। अगर फ्यूचर निर्माता हम हैं और फ्यूचर है हमारा बच्चा, तो बच्चे को हमें इस तरीके से बनाना है ताकि वो फ्यूचर में लाइफ में सक्सेस हो। तो सक्सेस किन तीन पॉइंटों से देखो, पढ़ने में बहुत अच्छा है लेकिन अगर ये तीन पॉइंट अगर वो ध्यान नहीं देगा तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। पहली चीज मेंटल हेल्थ, मेंटल हेल्थ अगर उसका अच्छा नहीं है तो भी वो क्या हो जाएगा, बहुत गड़बड़ हो जाएगा। दूसरी चीज होती है फिजिकल हेल्थ, अगर फिजिकल हेल्थ बहुत अच्छा नहीं है तो भी वो गड़बड़ हो जाएगा। और तीसरी चीज होती है सही रास्ता, अगर उसको सही रास्ते का ज्ञान नहीं कि कौन सा रास्ता सही है और कौन सा रास्ता गलत है तो भी बहुत चीजें गड़बड़ हो जाएंगी। हमें इन तीनों पॉइंट पर काम करना है। कैसे इन तीनों पॉइंट पर काम किया जाएगा, पहले हम अपने पे काम करेंगे तभी इन बच्चों पे काम कर सकते हैं। सबसे पहली चीज, अगर हम एक टीचर हैं तो हमारे समाज में ऐसी भ्रांतियां बनी हुई हैं कि टीचर का मतलब अगर पेट नहीं निकला तो टीचर किस काम का, तो ऐसा नहीं है। टीचर हो तो आपको और फिट रहना है, क्योंकि आप अगर फिट रहेंगे तो आपके विद्यार्थी आपको देखकर आप वो भी एक मोटिवेशन के अंदर आएगा फिटनेस को लेकर कि हाँ हमें फिट रहना है। तो फिटनेस को लेकर मोटिवेशन आएगा तो वो भी एक्सरसाइज अलग से करेंगे, वो भी जो आप गाइड करोगे वो भी फॉलो करेंगे, तो वो एक अच्छे मतलब फिटनेस के में आगे आगे कुछ कर सकते हैं। हम नहीं कहते हैं फिटनेस में आपको उनको जाना है, बॉडी बिल्डर ही बनना है, लेकिन मोस्टली अगर फिटनेस में अगर वो अच्छा करते हैं तो फिट रहेंगे और समाज में आगे एक नया स्थान भी बनाएंगे, ठीक है। देखो फिट रहना बहुत जरूरी है हमारे लिए, और आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके विद्यार्थियों के लिए, सभी के लिए फिटनेस में फिट रहना बहुत जरूरी है। अगर दूसरे पॉइंट की बात करें मेंटल हेल्थ, अगर हम उनको हर तरीके से गाइडेंस नहीं देंगे, हमें लगता है खाली फिजिक्स पढ़ाने से काम हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। आप फिजिक्स बहुत अच्छा पढ़ा दी, बच्चे ने बहुत अच्छा समझ लिया है, लेकिन घर में बहुत सारी समस्याएं चल रही हैं या उसके ऐसे पर्सनल लाइफ में बहुत सारी समस्याएं चल रही हैं, ठीक है, तो वो क्या करेगा, आपकी पढ़ाई को ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा, अंदर बिठा नहीं पाएगा, वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, वो पढ़ाई उसके लिए कोई मतलब की नहीं रहेगी। यानी अगर मेंटल हेल्थ उसको सही नहीं है, अगर वो डिमोटिवेट है तो उसको किसी भी तरीके से, अगर डिप्रेशन में है तो हमें इतना गाइडेंस अच्छा दे देना है कि वो डिप्रेशन से बाहर निकल आए, वो डिमोटिवेट जो है वो लड़का मोटिवेट होकर पढ़ाई करे। वो हम लोग कर सकते हैं बेटा, हम लोग सभी लोग कर सकते हैं। तो हम आप सभी अध्यापकों से एक निवेदन करते हैं, अगर आप कोई भी नशा प्रकार का करते हैं, किसी भी प्रकार का नशा करते हो, तो मैं आपसे बस एक ही विनती करना चाहूंगा कि वो नशा आप छोड़ दें, ठीक है, बिल्कुल छोड़ दें। क्योंकि आपको देखकर आपके विद्यार्थी सीखते हैं, आपको देखकर आपके विद्यार्थी आपके पीछे पीछे वैसे चलते हैं। तो हम नहीं कहते हैं सभी विद्यार्थी चलते हैं, अगर 100 में से 10 भी चल रहे हैं, अगर 5 भी चल रहे हैं ना, तो फिर आप उसके जिम्मेदार हैं, उन 5ों विद्यार्थियों के आप जिम्मेदार हैं। तो किसी भी एक विद्यार्थी की अगर लाइफ आपकी वजह से खराब होती है तो जान लो कि वो गलत है। हमारे अध्यापक पद पर एक मान लो कलंक है। हम इतना कहना चाहेंगे कि सभी लोगों से निवेदन है कि ये चीज बिल्कुल ना करें, नशा बिल्कुल भी बच्चों के सामने ना करें, ऐसे भी ना करें, अपने बच्चों के लिए ना करें, अपने परिवार के लिए ना करें, अपने विद्यार्थियों के लिए ना करें। तो हम एक अध्यापक है, हमें बिल्कुल इस मुहिम को स्टार्ट करनी पड़ेगी, किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना है। मैं बिल्कुल भी नशा नहीं करता हूं, मैं चाहता हूं आप सभी लोग नशा ना करें, ठीक है। इसके लिए आप सभी को मेरा सपोर्ट करना है, सभी को। ये नशा मुक्त अभियान वैसे भी चल रहा है लेकिन आपको चलाना है, क्योंकि अगर हम चलाएंगे तो समाज सुधरेगा, ठीक है। समाज सुधारक है हम लोग, तो हमें समाज सुधारना है। समाज सुधारने के लिए पहले हमें खुद को सुधारना पड़ेगा, तब हम समाज को सुधार पाएंगे। पहली चीज है कि आपको कोई नशा नहीं करना है, ठीक है। दूसरी चीज है कि फिटनेस को लेकर आपको जागरूक होना है। अगर हम फिटनेस को लेकर जागरूक हो पाएंगे तो हमारे जो विद्यार्थी हैं वो भी फिटनेस को लेकर क्या हो पाएंगे, जागरूक हो पाएंगे। तो हम चाहेंगे कि सभी लोग फिटनेस को लेकर थोड़ा जागरूकता दिखाएं, ठीक है। कुछ नहीं करना है आपको, ज्यादा कुछ खास नहीं करना है। हम मानते हैं, हम भी 9-10 घंटे टीचिंग करते हैं, 9-10 घंटे टीचिंग करते हैं, 11-12 घंटे टीचिंग करते हैं हम भी।
तो सीन ये है कि अगर हम भी इतना लेक्चर दे रहे हैं, आप भी इतना लेक्चर दे रहे हो, तो आप ये मत सोचो कि हम पूरे दिन लेक्चर दे रहे हैं तो हमारे पास टाइम नहीं है। टाइम निकाला जाता है, टाइम होता है, सभी के पास होता है। कम से कम एक घंटा आप अगर आप पूरे दिन पूरे दिमाग से शरीर से काम ले रहे हो तो एक घंटा शरीर को देने में कुछ जाता नहीं है। तो एक घंटा हमें अपने शरीर को देना, कैसे भी निकालें कभी भी निकालें, लेकिन एक घंटा मुझे अपने शरीर को देना है, ताकि अगर हम फिट होंगे तो हमारे विद्यार्थी हमें देखकर फिट होंगे, हमारे घर वाले भी हमसे मोटिवेट होंगे, वो भी फिट होंगे, और हम सभी के लिए एक आइडल तो बने हुए हैं, एक अच्छे आइडल बन जाएंगे। एक केवल टीचिंग के आधार पर नहीं, एक फिटनेस के आधार पर एक अच्छे आइडल बन जाएंगे, ठीक है। तीसरी चीज सबसे महत्वपूर्ण है, अगर हम अच्छा करेंगे हमारे विद्यार्थी भी हमें देखकर सेम वही चीज फॉलो करेंगे, यानी फिटनेस को लेकर। जो लड़का नशा की तरफ भाग रहा था वो लड़का फिटनेस की तरफ भागेगा, सोचो कितनी बड़ी बदलाव की बात हो रही है, ठीक, कितना बड़ा बदलाव होगा। तो ये चीज हमें शुरुआत करनी है। तीसरी सबसे बड़ी बात जो हमारे मेंटल हेल्थ को बड़ा आजकल के जमाने में गड़बड़ कर रहा है, वो है क्या, वो है सेक्स एजुकेशन। बच्चे होते क्या है कि 11th 12th 9th 10th, कुछ बच्चे 9th 10th से, कुछ बच्चे 11th 12th से बिगड़ने लगते हैं। उसका बिगड़ने का बहुत सारा मेन पॉइंट होता है, हम ज्यादा मोटा मोटा बात करेंगे, ज्यादा अंदर की डिटेल में बात नहीं करेंगे, ठीक है। अगर लड़का बिगड़ रहा है तो एक अच्छी शिक्षा ना प्राप्त करने की वजह से बिगड़ रहा है। अगर उसको इस फील्ड में थोड़ी सी अच्छी शिक्षा प्राप्त होती तो गलत रास्ते पे ना जाता, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। आजकल एक हवा चल रही है, मतलब क्लास 9th में लड़के पहुंचे तो हवा चल रही है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाने की। हम नहीं कहते हैं कुछ गलत है, दोस्त बनाओ, ये सब कुछ करिए, लड़का लड़की साथ दोस्ती कर सकता है, लड़की लड़के साथ दोस्ती कर सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर एक अच्छी शिक्षा हो जाएगी ना, तो दिमाग में जो निगेटिव थॉट्स आते हैं, जो उनमें एक अच्छा कंट्रोल आप बनवा सकते हो बच्चों के अंदर, उनको हार्मोन्स के बारे में बताओ, उनको सेक्सुअल डिजीज के बारे में बताओ, उनको सारी चीजें उनको समझाओ कि क्या क्या चीजें हमें फॉलो करनी है, क्या क्या चीजें हमें नहीं बनानी, क्या क्या पे हमें अपने आप को कंट्रोल करना है, कहाँ पे हमें चीजें पुश करनी है, कहाँ पे हमें पुल करनी है, हर चीजें उनको समझाएंगे। अगर हम कहाँ पे हम खुद को रोक सकते हैं, कहाँ पे हम खुद को ठीक जाने देते हैं, फ्लो में चलने देते हैं, ये चीज समझानी पड़ेगी। क्योंकि लड़का जो होता है ना उस एज में ना, वो अपने घर वालों से डिस्कस करता है, क्योंकि पेरेंट्स भी स्ट्रिक्ट होते हैं, वो भी पेरेंट्स से डिस्कस नहीं करते। हम टीचर हैं, हम ऐसे बात करेंगे कि हमारे मन में ऐसी बात आ जाती है, तो बच्चा बात वो करे किससे? तो वो ऐसे लोगों से बात करता है जिसको सच में कोई ज्ञान नहीं होता है, बस वो बकैती किया करते हैं। तो बकैती में बच्चे के फ्यूचर की वाट लग जाती है, वो ऐसे से उसको ज्ञान दे देते हैं ना, उसी धारा में वो भी बह जाते हैं और वो अपने रास्ते भटक जाते हैं। लास्ट में उनको डिप्रेशन, ठीक है, डिमोटिवेशन, सब कुछ उनको होता है, और वो काफी, यानी कि ऐसा बोल सकते हो कि 100 अगर स्टूडेंट है तो 12th तक आते आते इस स्टेज में बच्चे गड़बड़ करते हैं, 50% लड़का गड़बड़ कर ही देता है, ठीक है। अच्छे रास्ते से चलने की जगह पर वो अपने फ्यूचर बनाने वाले रास्ते पे जाने की जगह पर वो इन रास्तों पे चलने लगता है, जिसकी वजह से कम इस 50% में 30% लड़का बर्बाद हो चुका होता है पूरी तरीके से। उसकी मेंटल हेल्थ, उसकी अंदर के पढ़ने के लेकर मोटिवेशन सब खत्म हो चुका होता है। तो अगर हम उनकी अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, यानी टीचिंग में अच्छा कर रहे हैं, साथ में अगर उनके मेंटल हेल्थ भी अच्छा कर दें और फिजिकल हेल्थ भी अच्छा कर दें, तो विश्वास मानिए समाज बदलेगा, और जरूर बदलेगा। इसकी शुरुआत हम ही लोगों को करनी पड़ेगी। अगर हम अध्यापक, अगर सभी लोग अगर मिलकर ये काम करते हैं, विश्वास मानिए हर घर का हर एक इंसान अच्छा हो जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा कि कोई नशा करता हुआ आपको नहीं पाया जाएगा। हालांकि ये बड़ा मुश्किल है, लेकिन कोशिश करने में क्या जाता है, कोशिश करेंगे तभी हो सकता है। हम एक मुहिम चलाने वाले हैं जिसमें आपको करना क्या है, हम सभी लोग फिटनेस को लेकर कुछ वर्क करेंगे डेली, एक घंटे कम से कम अपनी फिटनेस को देंगे। हम आपको एक लेक्चर प्रोवाइड करेंगे, हम एक घंटे का लेक्चर नहीं, लेकिन शॉर्ट में आपको बताएंगे क्या क्या मैंने आज किया। आपको हम कहेंगे कि आप भी वो चीज ट्राई करें, ठीक है। हम ज्यादा टफ नहीं शुरुआत में बनाएंगे, लेकिन इजी करते हुए हम चलेंगे। हम भी फिटनेस को लेकर काफी जागरूक रहते हैं और काफी बच्चे हमें फिटनेस को फॉलो करते हैं। हम ये नहीं कहते हैं बहुत फिट रहते हैं, हम मानते हैं कभी कभी बिजी हो जाते हैं, हम भी एक्सरसाइज छोड़ देते हैं, लेकिन फिर एक्सरसाइज पकड़ लेते हैं। हम बच्चों को जागरूक किया करते हैं फिजिकल को लेकर, कि कैसे आपके फिजिकल को मजबूत रखना है, पढ़ाई कैसे अच्छी करनी है, डिमोटिवेशन अगर हो रहा है तो मोटिवेट करना हमारा काम होता है, अगर डिप्रेशन में जा रहे हैं तो उनको उससे बाहर निकलना भी हमारा काम होता है, ठीक है। तो मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहूंगा कि सभी लोग फिजिकल और ये थोड़ा सा नशा अगर पदार्थ आप कोई भी ले रहे हैं तो उसको बिल्कुल छोड़ें, और फिजिकल की तरफ थोड़ा ध्यान देते हुए बच्चे को मोटिवेट करें फिजिकल की तरफ, और सभी लोग इसको स्टार्ट करें इस नए साल में, इस चीज को मुहिम को स्टार्ट करने में हमारी मदद करें। सभी लोग ज्यादातर वीडियो को शेयर करें और ज्यादातर लोगों को इस बात को पहुंचाएं। धन्यवाद आपका इस वीडियो में बने रहने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरी बात से किसी को दिल में ठेस पहुंची उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। ओके, फिर मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों।